गाइस अगर आप भी मेरे तरह कंटेंट क्रिएटर है तो आपको भी वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। आप दिक्कत क्या आ जाती है जब हम वीडियो बनाते हैं तब आपको ऑडियो का जरूरत पड़ती है, ऑडियो इन द सेंस आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का जरूरत पड़ जाता है दोस्तों। बात यही भी आती है जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ पे आपको दावा किया जाता है कि आप हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज कर सकते हो और आपको हमें अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रेडिट देना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे बताया जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। आप जब वीडियो अपलोड कर देते हो इसके बाद आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, यानी कि आप अपना वीडियो का जितने भी रेवेन्यू अर्न करोगे वो आपको शेयर करना पड़ेगा उस ऑडियो का ओनर को। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई हम क्यों किसी को अपना रेवेन्यू शेयर करें, हम क्यों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी को क्रेडिट दे, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ट्रिक, नए नहीं, आप अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है इसलिए बता रहा हूँ। तो वैसे भी जिनको पता नहीं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूब का एक लाइब्रेरी है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ऑडियो यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई अदर ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो, या फिर आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद हमें जाना है डेस्कटॉप साइट पे। तो डेस्कटॉप साइट मिल गया। डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखने को मिलेगा कहाँ से कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इधर से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे साउंड चाहिए वैसे साउंड आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जो चाहे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अभी हमारा जो है इसको लोड होना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपना आइकॉन पे क्लिक करना है, अपना चैनल का आइकॉन पे। तो ये हमने बनाया था जो डेमो आईडी, जैसे कि आप नया चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे इसको बनाया था इस ईमेल आईडी को। तो अगर आपने नहीं निका है तो आपको इधर पे आई बटन पे शो हो जाएगा, जाके ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यूट्यूब स्टूडियो पे, और स्टूडियो पे जब हम क्लिक करेंगे तो अपना स्टूडियो जो है ओपन हो जाएगा इधर पे। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो या फिर कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप इधर से सेम टू सेम ही देख सकते हो, आपको पता ही है। तो ये इधर पे ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड, और इधर पे होने के बाद हम इधर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे नीचे। तो इधर पे आप देख सकते हो एक ऑडियो की तरह आइकन बना रहा है जो ऑडियो लाइब्रेरी का है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो है अपना ऑडियो लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो जाएगा। और अभी देख सकते हो कि ऑडियो लाइब्रेरी लिखे एक साइट यानी कि एक पार्ट ओपन हो चुका है। जो बोले आप जो बोलना चाहे बोल सकते हो, इससे पार्ट बोलो साइड बोलो जो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये ओपन आने के बाद आपको बहुत सारे साउंड जो है इधर पे देखने को मिलेगा, और वो फ्री देखने को मिलेगा। इधर पे आप देख सकते हो लाइसेंस टाइप सब के ऊपर यूट्यूब का सिंबल है, मतलब ये आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। कोई लाइसेंस मतलब यूट्यूब का लाइसेंस है, आपको कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एक को प्ले करके देखते हैं। अभी अब ये ईजिली यूज़ कर सकते हो, जो चाहे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा हम इसको साउंड कर नीचे कर देते हैं, ठीक है। और अभी आपके सामने जितने चाहे आप यूज़ कर सकते हो, जो ऑडियो चाहे आप वो कर सकते हो। अभी बात ये है कि आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, और भी काम बाकी है इधर पे। आप साउंड इफेक्ट ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। बहुत सारे टाइम होते हैं ना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट यूज़ करना पड़ता है कुछ कुछ पार्ट पे। तो आप जैसे कि देख सकते हो इधर पे किड प्लेइंग, मतलब बच्चे लोग जब खेलते हैं वो ऐसा साउंड आप ये सुन सकते हो। कुछ इस तरह से साउंड इफेक्ट्स है, आप इधर पे सर्च करके भी ले सकते हो। लाइक मैं मान लो इधर पे ट्रेन, अगर मैं ट्रेन सर्च करूंगा ना तो शायद इधर पे ट्रेन का आवाज़ें आ जाएगा। तो हम ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। हाँ अभी इधर पे ट्रेन का आवाज़ आ गया, ठीक है। तो आप जो सर्च करोगे वही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको सामने देखने को मिल ही जाएगा। तो यही है कुछ। इसके बाद साउंड इफेक्ट, और साउंड इफेक्ट हम बैक करेंगे तो कुछ इधर पे कहा गया। इधर पे आप फिल्टर पे भी यूज़ कर सकते हो, फिल्टर पे जाके आप जैसे चाहे वैसा ऑडियो यूज़ कर सकते हो। और
इधर पे डाउनलोड कैसे करना है इजी सा है। इधर पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको प्ले मतलब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। कोई सा भी साउंड हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नॉलेजेबल देखने को मिला होगा, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लाइक या फिर डिसलाइक कुछ तो करके जाइएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुश रहना, टाटा बाय।